तेज गर्मी का मौसम था और जंगल की सारे नदियाँ सूख गए थे। जंगल में कई जानवर रहते थे और उनमें से थी एक हाथियों की झुंड। हाथियों का राजा अपने झुंड की देखभाल करता था और हर रोज पानी की कमी से किसी ना किसी जानवर को मरते हुए देखकर अपने साथियों के लिए भी चिंतित हो गया। हाथी राजा सोचने लगा कि इस समस्या का हल अगर जल्दी नहीं निकाला जाए तो एक एक करके सारे हाथी भी मर जाएंगे। इस बारे में चर्चा के लिए सारे हाथियों ने सभा जमा की। अगर हम कोई पानी वाले जगह के लिए नहीं निकलेंगे तो ठीक नहीं होगा, सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पानी, मुझे एक स्थान पता है जहाँ पानी उपलब्ध है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। सच में? फिर हम सब मिलके उस जगह के लिए चल पड़ेंगे। सब हाथी मान गए और यात्रा पर निकल पड़े। बहुत देर तक चलने के बाद प्यासे हाथियों को कहीं दूर वो नदी नजर आने लगी। तुरंत सब हाथी नदी की ओर दौड़ने लगे। उसी रास्ते पर एक चूहों की बस्ती थी जो हाथियों के दौड़ने की वजह से नष्ट होने लगी। सब चूहे इकट्ठा हुए इस बात पर चर्चा करने के लिए। हम सब हाथियों के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि नदी तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता चुनें। सब चूहे हाथियों के सामने जाकर खड़े हो गए और हाथी राजा से बात करने की मांग की। जी, बोलिए। हाथी राजा, हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, परंतु आपके झुंड के दौड़ने से हमारी बस्ती नष्ट हो रही है। हमने अपने कॉलोनी का आधा हिस्सा पहले ही खो दिया है। हम विनम्रता पूर्वक आपसे हमारी मदद करने का अनुरोध करते हैं। कृपया कोई और रास्ता चुनें। ठीक है, मैं अपने झुंड से बात करूंगा। सुनो साथियों, इस रास्ते पर एक चूहों की बस्ती है। हमारे दौड़ने से उनकी बस्ती नष्ट हो रही है। अब से हम किसी और रास्ते से जाएंगे। हाथी राजा, आप इतने छोटे जीव से बात भी कर रहे, यही महान बात है उनके लिए। हमें उनको इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब इसके लिए सहमत नहीं हैं। समय आने पर हमें भी उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बस कल से हम दूसरे रास्ते से ही जाएंगे। हाथी राजा आदेश देकर वहाँ से चले गए। बाकी हाथियों ने भी अब उनके आदेश का पालन किया और अगले दिन दूसरे रास्ते से निकल पड़े। नदी पर पहुंचकर सब ने खूब पानी पिया, खेला और अच्छा समय बिताया, परंतु ये खुशी कुछ ही समय में खत्म हो गई। एक दिन जब सारे हाथी नदी में खेल रहे थे, तब दूर से कुछ शिकारियों ने उनको देखा। वे उन हाथियों को पकड़ के ले जाना चाहते थे। अगले दिन रोज की तरह जब हाथी नदी की ओर चल रहे थे, तब अचानक से कुछ हाथी शिकारियों के जाल में फंस गए। हाथी राजा भी उसी जाल में फंसे हुए थे। हाथियों, जल्दी चूहों की बस्ती पर जाओ और उनको इस परिस्थिति के बारे में बताओ। शिकारी के आने से पहले हमारी मदद करने को कहो। तुरंत बाकी हाथियों ने चूहों तक पहुंचा और सब कुछ बताया। सब सुनकर चूहे जल्दी से पंक्तियों में हाथियों के पीठ पर बैठकर नदी की ओर निकल पड़े। हाथों हाथ चूहे अपनी तेज दांतों की मदद से जाल को कुतरने लगे और जल्द सब हाथी जाल से छूट गए। जाल से मुक्त होने के बाद हाथी राजा उस हाथी के पास गया
जिसने चूहों को नीच नजर से देखा था। तुम्हें चूहों से माफी मांगनी चाहिए, बोला हाथी राजा गुस्से से। और फिर सब चूहों को धन्यवाद किया। सब हाथियों को ये एहसास हुआ कि कोई भी जीव कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी भी उसकी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। और उस दिन से सब साथ रहे और खुशी से नदी में खेला।